अपना भारत देश त्योहारों की जननी माना जाता है। ऐसे में यदि बात करें अगस्त के महीने की तो त्योहारों की बारिश शुरू हो जाती है। इसी तरह सावन महीने में आने वाला त्योहार रक्षाबंधन और फिर जन्माष्टमी, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे में मिठाई की दुकानों पर भीड़ होना और लोगों के घर तक मिठाइयां पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर मिठाई की दुकानों को खोला जा रहा है। दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिख रही है, जिससे वह अपना व्यापार भी इस त्योहारों के मौसम में कर पाएंगे। कल देर रात जैसे ही मुख्यमंत्री का फरमान आया, रविवार को मिठाई और राखी की दुकानें खुलेंगी, तभी से दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिखाई देने लगी। कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर देर रात विराम लगाया गया और आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी। कोविड-19 को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को दुकान न खोलने का फरमान जारी किया था। इसको देखते हुए सरकार ने प्रशासन को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए थे। शनिवार को ईद और सोमवार को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रशासन चारों तरफ चुस्त नजर आया है। आज शाहबाद में मिठाई और राखी की दुकानें सजी दिखाई दी, मगर कोविड-19 को देखते हुए बाजारों में रौनक नहीं दिखाई गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपू अवस्थी मौजूद हैं, जिन्होंने शाहबाद का पूरा जायजा लिया और हमें बताया कि मिठाई की दुकानें खुलने के बाद दुकानदारों के चेहरे पर कैसे रौनक आई है। आइए देखते हैं इनके साथ यह विशेष रिपोर्ट। कल जो मुख्यमंत्री का आदेश आया है, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों में बहुत बड़ा हर्ष है। सारे दुकानदार बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन लोगों का नुकसान होने से बच गया। हम लोगों को बहुत निराश हो चुके थे कि ऐसा लगता है कि रविवार का दिन हम लोगों के लिए बहुत खराब जाएगा, हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने हम लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई, हम लोगों के लिए छूट जो दी है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे सरकार के। हम लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग स्वागत करेंगे उनका। अभी कभी जरूरत पड़ी, हर समय उन लोगों के साथ में है। हम लोगों का नुकसान होने से बच गया, इसलिए से हम लोग सारे दुकानदार इतना खुश हैं, बयां नहीं हो सकता है। कल सुबह जब आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आप लोग बहुत परेशान थे, SDM शाहबाद से मिलने गए थे, वहाँ पर आपको जब आश्वासन नहीं मिला, तब आपको कैसा लग रहा था? तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बार हम लोगों का नुकसान होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो जैसे रात में हम लोगों को खबर मिली कि मुख्यमंत्री साहब ने हम लोग राखी वालों को और मिठाई वालों को छूट दी है, तो हम लोगों के अंदर एक अंदर से ऊर्जा जागृत हो गई कि चलो हम लोगों का काम नुकसान होने से बच जाएगा और ये राखी का त्योहार अच्छे से अच्छा निपटेगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपू अवस्थी की रिपोर्ट, शाहबाद, उत्तर प्रदेश।